अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर जी सुबह हो चुकी है और मैं जहाँ पर जी मैंने लगाई हुई है जी तलावत, तलावत मैंने आवाज़ बंद की हुई है ताकि आवाज़ आपको पता है कि क्यों बंद की हुई है, और उसको भी मैंने आज लगा ली है जी मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा लग रहे थे, रात वैसे भी अच्छा था तो कुछ मैंने जी इधर डाल दिए हैं धोकर। बाकी अभी जी ये दो फूल रहते हैं, मैंने कहा सुबह सुबह धो लें क्योंकि धूप हो जाती, आज सूरज भी निकला हुआ है जी। जहाँ पर जी मैंने नाश्ता भी लेना है क्योंकि मैंने आटा गूंथ कर कुछ रात का फ्रिज का पड़ा हुआ था, कुछ मैंने गूंथ के रख लिया, पहले कपड़े धोऊंगी उसके बाद जी नाश्ता बनाऊंगी। मैं कहा फटाफट कपड़े धो लेते हैं, हमारा देखे जी खुद बहुत दूर निकल आया बाहर, और यहाँ का जी देखे एक अंदर ही है और एक हमने नया लिया है, वो ऐसे चीख रहा है ना, मैंने बोला था बाप के दो ले आओ तो लेकिन वो एक ले गए, जो छोटा भी उधर नहीं रखा क्योंकि वो मारते हैं जो बड़े हैं ना उसे मारते हैं, तो आपने कि मेरे साथ ही बनेगा ना, तब तक मैं धो लेती हूँ कपड़े, कपड़े धोकर फिर बनाऊँगी रास्ता। बेडशीट मैंने बता रही हूँ क्योंकि मैं हर जब भी मशीन लगाती हूँ बेडशीट ज़रूर लगाती हूँ। अब टीवी की आवाज़ भी मैं खोल लूँगी, तो यहाँ पर जी मैं फटाफट बना रही हूँ जी रोटी, एक मैंने बना ली है क्योंकि बेटा मेरा उठ गया, बहुत जल्दी उठ के साथ ही उसे फोन रोटी चाहिए होती है, कपड़े मेरे तो लगे हैं तो मैं फटाफट बना रही हूँ जी नाश्ता। हैं जी रुबाब क्या कर रही है, सफाइयाँ वगैरह हमने कर ली है, रुबाब भी इधर कर रही है जी अपना शुक्रों का काम, क्योंकि आज इसके स्कूल से ना मैसेज आया है कि शुक्रों काम जी जमा करवाएं, तो माशाल्लाह से जी अब बैठी है, थोड़ा सा ही बस जाता है क्योंकि इसकी बुखार था, इस बुखार की वजह से ना हमने ना वो रजिस्टर नहीं था ले गया, कुछ जहन में नहीं था कि मिलना जो स्कूल से मिलते हैं, तो पैसे जमा करवा के तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गया उन्होंने बोला, तो फिर हमने जी बाज़ार से लाया उनसे ये सिलेबस बनवा के लाए थे, तो फिर आप जी रुबाब बैठ के काट दिए, आज जो कंप्लीट कर लेगी तो सुबह जमा करवा देंगे जी हम। अच्छा रुबाब जल्दी जल्दी कर लो, कैसे जी आप सब, उम्मीद करती हूँ जी सब बैठ भाई ठीक होंगे, अल्लाह की तरफ से मैं भी ठीक हूँ, आप जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे, तो इसलिए एक बार के साथ याद करो करते हैं जी शुरू, तो जैसे कि आपको पता है मैंने आज धोए हैं जी कपड़े, और इतनी ज़्यादा धूप थी ना कपड़े मेरे ऐसे सूख गए हैं ना जैसे मैंने इन्हें स्पिनर किया, वैसे स्पिनर तो किए ही नहीं थे, मरूंडा हो गया सूख के, तो मैंने कहा जी चले आप उतार कर, ये जो नीचे थे वो थोड़े थोड़े गीले हैं, बाकी मैंने सारे तय लगा के रख दी हैं, बाकी जो पेंटे वगैरह थे ना वो अभी मैं तय लगा कर जी तक सुन गई, मैंने कहा जी चले लोग साथ ही साथ शुरू कर लेते हैं, और आपकी आपने मेरे साथ बने रहना, बाकी जो काम मैं अभी शाम तक करूँगी तो आपके साथ ही शेयर करती रहूँगी, और बाहर साहबा इधर लेटी हुई है मस्ती मुस्ती में, ये मुझसे नाराज ही अपसेट ही रहती है, इसके स्कूल में जी थोड़े से दिन रह गए हैं, जबकि आपको पता है इसका स्कूल लग जाना जी 14 अगस्त को, पहला दिन है इसका 14 अगस्त को, क्योंकि इनके स्कूल में फंक्शन भी होता है 14 अगस्त को, और उसी दिन स्कूल जो है स्टार्ट हो जाता है, और खुश भी है बहुत खुश है, इसने जी उसी दिन का सुपारा भी नहीं पड़ा, क्यों हंसी क्यों आ रही है देखे जरा रुबाब को, पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, अभी मैं इन्हें रख लेती हूँ अभी अंदर, और यहाँ पर जी हमारी जो पानी ये देखिए बिल्कुल सही है, पता भी कहाँ से इसका पानी निकल रहा है, अभी ला कर ना हसमत साहब ने सुबह ला कर भर कर रखी थी, इसकी समझ ही लगी कैसे पानी इसमें से इतना ज्यादा, मैं कपड़े धोओगे ना तो फिर बच्चे होंगे तो बच्चों के नाश्ता वगैरह
अपनी बहू जी गाँव वगैरह करने लग गए, इन्होंने सफाइयाँ वगैरह की तो मेरी क्योंकि मैं बड़ी देर की उठी थी सुबह, तो फिर मैंने लेट गई आराम करने की, फिर मैं सो गई। जब सो गई उठी तो इधर हमने गल रखी होती है पानी की, और इधर और बाहर से बाबा बाहर मामा जी देखे पानी किधर से आ गए, पानी किधर सारा पानी जो है ना हमारा इधर से आ गया, और गैलन हमारी जो भरी हुई थी इतनी हो गई थी। मैं सोच में पड़ गई पता नहीं पानी कहाँ से गिरा, फिर मैंने फटाफट वो कूलर में डाला क्योंकि फिल्टर का पानी इतना इम्पोर्टेंट पानी होता है, वैसे भी घर वाला भी ज़ाया करना चाहिए, ये तो फिर पीने वाला पानी था, तो फिर मैंने आधा कूलर में डाला और आधा इधर भर के रख दिया। ये देखें प्रेशर कुकर में पानी पहले मैंने सेव कर लिया क्योंकि गिरा, अब देख रहे सुबह पता चलेगा कि इसको क्या होगा, नहीं तो नहीं लानी पड़ेगी, ये गैसें जो होती हैं ऐसे ही टूट जाती हैं क्या। आज कितने दिनों बाद जी रुबाब का पसंदीदा फल फिर आ गया मैंगो, क्योंकि मैंगो को छोड़ती नहीं, पहले भी खा चुकी, आप फिर मांग रही ले लो। और इसको पसंद भी नहीं आता, तो मैं जी अब सालन ही हमें बनाना, तो सिर्फ रोटी बनानी है क्योंकि सालन हमारा पड़ा हुआ है, वैसे भी बाप का पसंद है मैंगो आया तो कहती मामा जी हमने जी मैंगो के आम के साथ ही रोटी खानी है, इसलिए मैं जी सालन ही बनाया क्योंकि पापा का ज़्यादा होता है उनके लिए सालन पड़ा हुआ है, और आज हम जी आम के साथ रोटी खाएंगे, मैं पड़ा है रोटियाँ बच्चों को बना देती हूँ, और आज हमने सिर्फ रोटी बना ली है। बाप इतना खेल इतना इसकी फ्लाई थी फ्रेंड जिनके घर जे कल गई थी, तो आज वो आई थी वो को इतनी इन्होंने मस्ती की, इतना काम कर रहे थे ना हमें, कभी टीवी लगा कभी बैठ के ऊपर उछल, ऐसे साथ रुबाब भी मिली थी। आटा क्या करना है इसके साथ जी आज कब लोग करते हैं जी खत्म, उम्मीद करते हैं जी आज का लोग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और फुल वाच करें, लाइक मैं रोजाना कह दी आपको लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें, इतनी देर हो गई पूरा साल हो गया मैं आपको अगर आप बहुत कम लाइक करते हैं जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लोग नेक्स्ट।